हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ऑन एरलाइन क्वीनिंग मॉडल अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहां पे आपको क्विनिंग थ्योरी पे कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी नाउ लेट स्टार्ट एन एयरलाइन मेंटेनेंस बेस हैज फैसिलिटीज फॉर ओवरहॉलिंग ओनली वन एरोप्लेन इंजन एट अ टाइम एक एयरलाइन मेंटेनेंस बेस है जहां पे एक टाइम पे एरोप्लेन के एक इंजन को रिपेयर किया जाता है ओके हैं एरोप्लेन इन टू यूज एट दर्लिएस्ट इसलिए एरोप्लेन को जल्दी से यूज में लाने के लिए हमारे पास एक पॉलिसी है वो पॉलिसी है क्या ओनली वन इंजन इज और हॉल्ड ईच टाइम एक टाइम पे सिर्फ एक इंजन को क्या किया जाता है रिपेयर किया जाता है ओके अंडर दिस पॉलिसी पॉलिसी इस policy के मुताबिक एरोप्लेन हैव अराइव अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस एरोप्लेन का जो अराइवल होता है वो अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस होता है एट अ मीन रेट ऑफ वन पर डे जिसमें हमारे पास जो लैमडा है वो है वन ओके उसके बाद द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इंजन ओवरऑल एज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और जो टाइम लगता है जो सर्विस टाइम लगता है इंजन को ठीक करने के लिए वो कितना है वो है हमारे पास हाफ डे एक इंजन को ठीक करने के लिए हाफ डे लगता है इसका मतलब हमारे पास जो म्यू होगा वो हमारे पास होगा टू एरोप्लेन पर डे तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा लैमडा इज इक्वल टू वन एरोप्लेन पर डे और म्यू आएगा हमारे पास टू एरोप्लेन पर डे बिकॉज एक इंजन हाफ डे में ठीक होता है इसका मतलब एक दिन में दो एरोप्लेन रिपेयर हो जाएंगे नाउ अ प्रोपोजल हैज बीन मेड टू चेंज द पॉलिसी अब एक प्रोपोजल बनाया जाता है जिसमें यह तय किया जाता है कि हम पॉलिसी को क्या करेंगे चेंज करेंगे सो एज टू ओवरहॉल ऑल फोर इंजन कंजेक्टिवली अब यह तय किया जाता है कि हम जो है चारों के चार इंजन को एट अ टाइम क्या करेंगे ठीक करेंगे रिपेयर करेंगे कम्स इन टू द शॉप जब वो शॉप पे आएगा ओके दिस विल क्वाड्रुपल्स द एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम इससे क्या हो जाएगा जो हमारे पास सर्विस टाइम होगा वो फोर टाइम होगा क्या होगा फोर टाइम ईच प्लान वुड नीड टू कम इन टू द शॉप ओनली वन अपॉन फोर टाइम एज और उस केस में जो अराइवल होगा हमारे पास वो होगा वन अपॉन फोर दैट इज वन फोरथ टाइम अब मुझे करना क्या है कंपेयर टू अल्टरनेटिव ऑन मीनिंगफुल वे अब मुझे इन दोनों पॉलिसीज को जो मेरे पास दो अल्टरनेटिव हैं, उनको कंपेयर करना है पहला अल्टरनेटिव ये है जिसमें हमारे पास जो अराइवल रेट है वो लैमडा है और म्यू उसमें टू है ओके और इसमें हम चार में से सिर्फ एक ही इंजन को रिपेयर करते हैं फिर सेकंड पॉलिसी है उस पॉलिसी में मेरे पास चारों इंजन को एक टाइम पर ठीक किया जाता है ओके okay? और इस टाइम पे हमारे पास जो म्यू होता है वो फोर टाइम हो जाता है ओके okay? और जो अराइवल रेट होता है वो होता है वन फोर्थ टाइम ओके अब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूं और फिर चेक करूंगा कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी ओके okay? तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स जो मेरे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं उनको मैं कंपेयर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑफ वेटिंग टाइम जो एरोप्लेन उस शॉप में टाइम गुजारेगा उस पर हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी उन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा जिस पे हमारे पास कॉस्ट कम आएगी उस पॉलिसी को हम बेस्ट मानेंगे ओके तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए पहली सी पॉलिसी में हमारे पास क्या है पॉइजन अराइवल है ओके और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है उसमें हमारे पास एम एम ठीक उसके बाद जो मेंटेन किया जाता है वो एक ही मेंटेनेंस बेस पे किया जाता है ठीक इसका मतलब हमारे पास जो सर्वर है वो भी सिंगल है और कैपेसिटी तो नहीं दी है इसका मतलब कैपेसिटी हमारे पास इंफानाइट है ओके एंड सर्व किया जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ओके क्वीनिंग सिस्टम पहली पॉलिसी में यहां तक जब हमने पढ़ा यहां पे हमारे पास कोई भी फेजेस नहीं है सीधा एक इंजन ठीक किया जाता है और पॉइजन अराइवल है और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज हमारे पास सर्विस टाइम है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास लैमडा वन एरोप्लेन पर डे है म्यू मेरे पास टू एरोप्लेन पर डे है अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा मैं फाइंड करूंगा एवरेज नंबर ऑफ एरोप्लेन इन दिस्टम मुझे क्या करना है कि मैंने देखना है कि एक टाइम पे कितने एरोप्लेन सिस्टम पे रहेंगे तो उसका मैथ मेरे पास होता है lambda upon, mu minus lambda, पहले model में, तो मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा वन इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में कितने एरोप्लेन होंगे वन एरोप्लेन होगा ओके अब मैं सेकेंड अल्टरनेटिव को देखता हूं देखिए तो फ्रेंड सबसे पहले सेकेंड अल्टरनेटिव में फोर चार के चार इंजन को कंजेक्टिवली लगातार ठीक किया जाता है इसका मतलब मेरे पास जो के है वो फोर होगा इस वक्त नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे फोर होंगे बिकॉज हमारे पास चार इंजन को एट अ टाइम ठीक किया जाता है उसके बाद जो सर्विस टाइम है वो कॉड हो जाती है दैट इज फोर टाइम हो जाती है तो मेरे पास जो सर्विस टाइम था म्यू था वो था मेरे पास हाफ डे दे, यहां पे देखिए हाफ डे दे था ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर इंटू वन अपॉइंट टू ओके सर्विस टाइम पर एरोप्लेन एक एरोप्लेन पे हो जाएगा फोर इंटू वन अपॉइंट टू दैट इज टू डेज ओके सो न्यू मेरे पास क्या होगा वन अपॉइंट टू एरोप्लेन पर डे अब मुझे पर डे के हिसाब से निकालना है तो एक दिन में सिर्फ हाफ एरोप्लेन को क्या किया जाएगा ठीक किया जाएगा उसके बाद जो अराइवल रेट है वह है वन फोर्थ टाइम क्या है वन फोर्थ टाइम इसका मतलब जो लैमडा है वो मेरे पास है वन अपॉन फोर एरोप्लेन पर डे ओके हैंस हमारे पास जो एवरेज नंबर ऑफ एरोप्लेन्स इन द सिस्टम वो क्या आएंगे के प्लस वन अपॉन टू के मल्टीप्लाई बाय लैमडा स्क्र अपॉन म्यू इन टू म्यू माइनस लैमडा इनकी वैल्यूज यहां से मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आया जीरो तो इस केस में मेरे पास जो एरोप्लेन्स सिस्टम में होंगे वो होंगे 0.0 0.81 एरोप्लेन इन द सिस्टम और प्रीवियस अल्टरनेटिव में मेरे पास था एक एरोप्लेन ठीक तो इसका मतलब इस केस में जो सेकंड केस में है इस केस में हमारे पास जो कॉस्ट है वो कम आएगी बिकॉज़ इस केस में हमारे पास एरोप्लेन सिस्टम में कम होंगे एक टाइम पे ओके सो फ्रेंड्स मैंने यहां पे लिखा है सिंस एल एस दैट इज एवरेज नंबर ऑफ एरोप्लेन्स इन द सिस्टम ज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट वन इन द सेकेंड अल्टरनेटिव ठीक है इज लेस इट्स वैल्यू इन द फर्स्ट अल्टरनेटिव जो कि फर्स्ट अल्टरनेटिव से छोटा है डियर फोर वेटिंग कास्ट फॉर रिक्वायर्ड ओवर हॉलिंग इन द सेकेंड अल्टरनेटिव विल बी लेस इसलिए यहां पे जो कॉस्ट है वो क्या आएगी हमारे पास कम आएगी हेंस द प्रोपोजल शुड बी एक्सेप्टेड इसलिए जो उन्होंने प्रोपोजल बनाया था उसको एक्सेप्ट किया जाएगा ओके सो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में, में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप मुझे वहां से पूछ सकते हो एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम ए हॉस्पिटल क्लिनिक हैज ए डॉक्टर एक्समाइनिंग एवरी पेशेंट बॉट इन अ चेकअप। एक हॉस्पिटल क्लिनिक है जहां पे डॉक्टर एग्जमाइन करता है पेशेंट को फॉर चेकअप के लिए ठीक ऑन एन एवरेज द डॉक्टर स्पेंड फोर टाइम ऑन ईच फेज ऑफ चेकअप हर फेज चेकअप के हर फेज पे डॉक्टर फोर मिनट्स स्पेंड करता है ओके द डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन ईच फेज अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है जो कि स्पेंड करता है वो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल है ओके इफ ईच पेशेंट गोज थ्रू फोर फेजेस अगर सपोज एक पेशेंट जो है जाता है फोर फेजेज में कितने फेजेस को क्रॉस करता है फोर फेजेस को इसका मतलब हमारे पास जो के है वो आएगा फोर सो फ्रेंड्स यहां पे मैंने लिखा है सर्विस टाइम पर फेज क्योंकि हर फेज पे हर चेकअप पे वो कितना फोर मिनट स्पेंड करता है तो यहां पे मैंने लिखा है फोर मिनट और कितने फेज क्रॉस करने हैं पेशेंट को फोर फेजेस तो मैंने यहां पे लिखा है के इज इक्वल टू फोर उसके बाद इफ द अराइवल ऑफ द पेशेंट एट द डॉक्टर ऑफिस अराइवल जो है डॉक्टर ऑफिस पे वो है क्या अप्रोक्सीमेटली पॉइसन वो क्या है पॉइसन एट द एवरेज रेट ऑफ द्री पर आवर इसका मतलब ये है कि लैमडा मेरे पास क्या है थ्री पेशेंट पर आवर तो फ्रेंड्स मैंने यहां पे लैमडा लिखा है थ्री पेशेंट पर आवर अब मेरे पास जो सर्विस टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको पर मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं तो डिवाइड करूंगा मैं सिक्सटी के साथ तो मेरे पास आएगा वन अपॉन ट्वेंटी पेशेंट्स पर मिनट ओके नेक्स्ट उसके बाद क्या है एवरेज टाइम स्पेंट बाय अ पेशेंट वेटिंग इन द डॉक्टर ऑफिस अब मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना एवरेज टाइम एक पेशेंट स्पेंड करता है डॉक्टर के ऑफिस में सेकेंड मेरे पास है वट इज द एवरेज टाइम स्पेंट इन द एग्जामिनेशन कितना टाइम स्पेंड किया जाता है एग्जामिनेशन में ओके okay? और वट इज द मोस्ट प्रोबेबल टाइम स्पेंट इन द एग्जामिनेशन और कौन सा सबसे मोस्ट प्रोबेबल टाइम है स्पेंड किया जाता है एग्जामिनेशन में ओके okay? फ्रेंड्स सबसे पहले मैं म्यू को कैलकुलेट करूंगा बिकॉज म्यू मेरे पास इस्तेमाल होगा और म्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास एवरेज सर्विस टाइम पर फेज कितना होता है वन अपान म्यू के इस मॉडल में होता है वन अपान म्यू के ओके नाउ मेरे पास गिवन है सर्विस टाइम पर फेज फोर मिनट्स इसका मतलब यह है कि वन अपान म्यू के इज इक्वल टू फोर इसको मैं सोलव करूंगा मेरे पास आएगा म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटू फोर इसका मतलब म्यू मेरे पास आया पेशेंट पर मिनट ओके अब मुझे क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है एवरेज टाइम स्पेंड द पेशेंट वेटिंग इन द डॉक्टर ऑफिस ओके तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा मैं कैलकुलेट करूंगा वेटिंग टाइम इन द क्यू ओके सो इसके लिए मेरे पास मैथड होता है के प्लस वन अपॉन टू के मल्टीप्लाई बाई लैमडा अपॉन न्यू इंटू म्यू माइनस वन सॉरी म्यू माइनस लैमडा ओके इसकी वैल्यूज में यहां से पुट करता हूं ओके सो के प्लस वन अपन टू इंटू फोर लैमडा मेरे पास कितना है फोर है सॉरी लैमडा मेरे पास वन बाई ट्वेंटी है ओके okay? तो मैं लैमडा की जगह पे वन बाई ट्वेंटी लिखता हूं म्यू मेरे पास वन बाई सिक्सटीन है तो मैंने यहां पे वैल्यू पुट की इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है फोर्टी मिनट्स इसका मतलब जो एवरेज टाइम स्पेंड किया जाता है पेशेंट के द्वारा डॉक्टर ऑफिस में वो मेरे पास है फोर्टी मिनट्स नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करन, करना है एवरेज टाइम स्पेंड इन द एग्जामिनेशन कितना टाइम स्पेंड किया जाता है एग्जामिनेशन में ओके सो फ्रेंड्स जो मेरे पास न्यू है उसको मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो वो मेरे पास क्या आएगा एवरेज टाइम स्पेंड इन द एग्जामिनेशन दैट इज इन द सर्विस तो मेरे पास वन अपॉन सिक्सटीन है तो वन अपॉन वन बाई सिक्सटीन तो यह आता है सिक्सटीन मिनट्स ओके नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल टाइम दैट इज मोस्ट प्रोबेबल टाइम स्पेंड इन द एग्जामिनेशन तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस फोर है ओके okay? और जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी इन स्पेंट इन द एग्जामिनेशन वो होगी वैल्यू ऑफ सर्विस टाइम फॉर द फोर्थ फेज ऑफ सर्विस ओके बिकॉज लास्ट फेज हमारा है फोर्थ फेज ओके सो so, उसके लिए मैथड हमने हमारे पास है के माइनस वन अपॉन म्यू के ओके तो के मेरे पास फोर है तो फोर माइनस वन अपॉन फोर इंटू म्यू मेरे पास वन बाई सिक्सटीन है तो इसको मैंने जब कैलकुलेट किया मेरे पास आ गया ट्वेल्व मिनट्स ओके सो मिनट्स मेरे पास क्या है मोस्ट प्रोबेबल टाइम स्पेंड इन द एग्जामिनेशन ओके सो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग